24 जब रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है तो पहले शब्द क्या है आपके मन में? उस समय भी पहला शब्द जय श्री राम था, आज भी जय जय सिया राम है, जय जय श्री राम है और चारों तरफ राम राम है, अब पूरी तरह से राममय है। आज का जो समय है या 22 जनवरी जो आने वाली है, उस ऐतिहासिक घड़ी का मुझे ही नहीं मेरे जैसे कोटि कोटि राम भक्तों को इंतजार जी, है जी। अब कह लीजिए राम के लिए दिल बेकरार है। लेकिन वो कहते हैं ना, जापर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करे सब कोई। बीजेपी 200 से 300 पर आ गई। उत्तर प्रदेश में बाबूजी कल्याण सिंह की सरकार गई थी, दूसरी बार प्रचंड बहुमत वाली सरकार वापस लौट के आ गई। ये राम की कृपा थी या फिर आपको लगता है ये विधि का विधान भी था? देखिए, जापर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करे सब कोई, यह तो आप कह ही रहे हैं, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर हम राम भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं, गरीब के भक्त हैं, तो स्वाभाविक तौर से सबके समर्थन से, सबके आशीर्वाद से हमें उत्तर प्रदेश में अगर रामलला के चरणों में एक नहीं चार चार चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस की सरकार ने बर्खास्त करने का काम किया था, उसमें बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की भी सरकार थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की भी सरकार थी। लेकिन तुलसी के राम है, शबरी के राम है, केवट के राम है, वाल्मीकि जी के भी राम है, सबके अपने अपने राम है, केशव के राम कैसे हैं? मेरे राम तो अयोध्या धाम में है और मेरे भी रोम रोम में है और आपके रोम रोम में है। वो प्रभु कहते हैं जापर कृपा करके वो दिखा देते हैं अपने रूप को, देख लेते हैं, अन्यथा इस समय तो उनका एक रूप दिखने लगा है रामलला के जन्मस्थान पर, जिसे पूरा देश देख रहा है। न्यूज 18 के मंच पे हम भी अमित जी के साथ ही जब राम पर चर्चा कर रहे हैं, तो यह भी कहने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारा विरोधी भी है, चाहे वह राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से, तो यह सारे के सारे लोग दिन भर में विरोध में ही सही राम का नाम अनेक बार लेते हैं। अभी कुछ देर पहले अखिलेश जी मंच पर थे तो उन्होंने बोला कि राम की बात तो होती है, विकास की बात भी होनी चाहिए। वो भी राम के साथ है, वो श्याम के साथ भी है, उन्हें राम में कृष्ण और कृष्ण में राम दिखते हैं। देखिए, उनको विकास की बात, गुंडागर्दी करने वाले, माफियाओं का संरक्षण करने वाले, राम भक्तों के खून से जिनके हाथ रंगे हुए हैं, वह राम और श्याम की बात करके जो गुमराह करने का प्रयास करते हैं, उससे उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बल्कि आज मैं ये कह सकता हूं कि पूरी तरह से इनकी भावनाएं, इनको भगवान को जैसे जनकपुर में अलग रूप में सब देख रहे थे, लेकिन जो भगवान के रूप में देख रहे थे, भगवान उनको भगवान के रूप में दर्शन दे रहे थे, लेकिन ये उसी श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है, जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। लेकिन एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि मंदिर अधूरा बना है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? विपक्ष के कई नेता इस पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। मुझे लगता है नेताओं को सवाल खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं है, और वही नेता इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के विरोधी थे, जो कारसेवकों पर गोली चलाने को जायज ठहराते हैं, जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बता करके शपथ पत्र देश की सर्वोच्च अदालत में दे करके आते हैं, वही इस प्रकार की बातें करते हैं। अगर रामलला टाट से आज ठाट से अपने भव्य मंदिर के अंदर पहुंच रहे हैं जी, तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या उनको इसलिए दर्द हो रहा है कि रामलला, वो कह रहे कि प्रधानमंत्री मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में रहेंगे, आपने बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बना दिया है उसको? ये दृष्टि दोष है। राम विरोध का एक और ये एक अलग तरीका उन लोगों ने निकाला है। अगर भगवान सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हो सकता है, उस समय के उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 में भगवान सोमनाथ के मंदिर के निर्माण जीर्णोद्धार का और फिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देश के प्रथम राष्ट्रपति कर सकते हैं, तो आज यह शुभ अवसर आया है, तो इनको क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जहां गर्भगृह है वहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही। विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल खड़े करे हैं इसको लेकर।
जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो स्वयं राम भक्तों की नजर में सवाल बनते जा रहे हैं। देश का विश्वास है, एक एक राम भक्त का विश्वास है। अयोध्या में जहां रामलला का जन्मस्थान है, जहां पर रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, वही मान्यता के अनुसार, और जो मान्यता है चाहे वो श्री रामचरितमानस के अनुसार, चाहे वाल्मीकि रामायण के अनुसार, चाहे जो अयोध्या धाम है उसके अनुसार, उसी मान्यता के अनुसार रामलला उस स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। और उसमें तमाम हमारे पूज्य साधु संत, पूरा बहुत सारे आचार महामंडलेश्वरगण, धर्माचार्यगण, बहुत सब विचार विमर्श करने के बाद पूरे वास्तुशास्त्र के हिसाब से जहां पर रामलला विराजमान थे वहीं पर रामलला विराजमान हो रहे हैं। मैं तो कार्यसेवक के रूप में 6 दिसंबर को भी था, ढांचा रह गया था किस प्रकार से मेरे रामलला टाट। अफसोस है जो ढांचा ढहा उसका अफसोस है, कहे का अफसोस होगा, गर्व है हमको। लेकिन कई नेता कहते हैं कि मस्जिद गिराकर मंदिर बनाया गया, वो कलंकित ढांचा था, गुलामी की निशानी थी, और उसको कार्यसेवकों ने मिटा दिया, इसका हमें गर्व है। और मैं भी एक कार्यसेवक के रूप में वहां पर था, इसका भी मुझे गर्व है। लेकिन क्या आपको लगता है विपक्ष के नेताओं का इस पूरे कार्यक्रम का बॉयकॉट करना, अखिलेश जी के पास निमंत्रण आया लेकिन उन्होंने बोला मैं जाऊंगा लेकिन बाद में जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता से घबरा करके ये मोदी विरोध करते करते भगवान श्री राम के विरोध पर उतर आए। 2024 में इनको जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप भाजपा का विरोध कर सकते हो एक दल के नाते, आप सबसे लोकप्रिय नेता का विरोध कर सकते हो क्योंकि वह एक दल की ओर से चुनी गई सरकार के माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनका विरोध करते करते भगवान श्री राम के विरोध पर उतर आओगे तो इसका जवाब राम भक्त भी देंगे, राष्ट्रभक्त भी देंगे। आपको लगता है 2024 के चुनाव में राम एक मुद्दा रहेगा? हमारे लिए भगवान श्री राम आस्था के, श्रद्धा के, विश्वास के केंद्र हैं। रामलला के मंदिर निर्माण का संकल्प हमारा 22 जनवरी 2024 का नहीं है, यह हमारा संकल्प हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में डंके की चोट से कहा गया था, जहां राम ने जन्म लिया है मंदिर वहीं बनाएंगे और जो भी करना होगा वह करके दिखाएंगे। और जो हम लोग उस समय नारा लगाते थे सुगंध राम की खाएं, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो यही विरोधी लोग कहते हैं लेकिन ये तारीख नहीं बताएंगे। 22 जनवरी की तारीख आ गई, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा रहे हो, राम भक्त तुमको ठुकरा देंगे। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी शिवधाम जाएंगे आसाम में, और ममता बनर्जी भी एक मंदिर में जाएंगी, वो कहते हैं कि हम इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे लेकिन बाकी मंदिरों में जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है, जो कभी रोजा अवतार की पार्टी छोड़ करके किसी मंदिर में शीश झुकाने नहीं जाते थे, आज उन्हें मंदिर में माथा टेकना पड़ रहा है, यह मेरे लिए गर्व की बात है। एक सवाल कि राम मंदिर को लेकर आपके परम मित्र असाउद्दीन ओवैसी की मैं बात कर रहा हूं, वो कहते हैं कि सत्ता में बैठे लोग, आप जैसे लोग मस्जिदों को ललचाई भरी नजरों से देख रहे हो, अभी तो अयोध्या हो गया, आप काशी मथुरा पे शुरू कर दिए कहानी आप लोगों ने। ये काम तो जब भगवान सोमनाथ जी का मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था, कांग्रेस उस समय देश में नेतृत्व कर रही थी सरकार का, अयोध्या मथुरा काशी तीनों मामला उसी समय एक साथ हल हो जाना चाहिए, या तुष्टिकरण की राजनीति के कारण से 1947 में जो समस्या हल होनी चाहिए वो 2024 में जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब उसका समाधान हो रहा है, तब भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान रामलला टाट से अब ठाट में आ रहे हैं, और जो अभी तक ठाट में थे अब उनके टाट में जाने का समय आ रहा है। लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ राम मंदिर जो है, जो राम मंदिर को लेकर राजनीति है वो भी कम नहीं है। आप लोग क्लेम करते हैं, यानी बीजेपी क्लेम करती है कि राम मंदिर वो बनवा रही है और राम मंदिर उनके प्रयासों से बन रहा है। कांग्रेस कहती है कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। देखिए, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की बात कहने से, क्योंकि श्री राम सेतु का मामला जब देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंचा था, देश में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस सरकार का शपथ पत्र देश की सर्वोच्च अदालत के सामने आज भी है, जब उन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया था, जो राम सबरी की कुटिया में भी हैं और शहर के बड़े बड़े महलों में भी हैं, मेरे अंदर भी राम है, आपके अंदर भी राम है, उनके अंदर भी राम है, उन भगवान श्री राम को काल्पनिक बता करके उन्होंने राम भक्तों के अपराधी होने का पहले ही प्रमाण पत्र दे दिया।
जी, लेकिन दो तीन चीजें जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, राम मंदिर की जो क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से एक विरोध के स्वर खड़े हुए हैं, एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने तो हिंदू धर्म को ही धोखा करार दे दिया है, श्री रामचरितमानस के बारे में उन्होंने जो शब्द बोले हैं वो मैं बताना नहीं चाहता, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, यह सारे जो रट्टू तोता हैं सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी के, चाहे वह स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे वह शिवपाल यादव जी हों, चाहे कोई और जी हों, वह सारे लोग श्री अखिलेश यादव जी जो लिख करके देते हैं वह पढ़ करके आप सबके माध्यम से सुनाते हैं और देश का अपमान करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं, राम भक्तों का अपमान करते हैं, राष्ट्रभक्तों का अपमान करते हैं, और इस अपमान का हिसाब जरूर चुकता होगा, वह जनता चुकता करने का काम करेगी। और श्री अखिलेश यादव जी या जो विशेष तौर से राम भक्तों का, कृष्ण भक्तों का, शिव भक्तों का जब सत्ता में थे तब भी अपमान किए थे, तब यह जब सत्ता में थे तो सपा स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक आपके साथ थे तो वो ऐसा नहीं करते थे, अब तो शक होता कि आप लोगों ने भेज दिया उनको वहां पर। संगत से गुण मिलत हैं, संगत से गुण जाएं, बांस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए, एक हमारे गांव में कहावत भी है। और अगर वो सपा की संगत में गए हैं और उसके बाद उनके अंदर शुद्धता रहेगी, वो अच्छी बातें बोलेंगे, ये मुझे लगता नहीं। लेकिन सिर्फ एक स्वामी प्रसाद मौर्य रही है, के रजन्ना है कर्नाटक में कांग्रेस के मंत्री, बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि वो राम मंदिर में जो मूर्तियां अवतरित हुई थी वो रामलला की मूर्तियां नहीं थी, वो गुड़िया थी, और सबने राम मंदिर बोलना शुरू कर दिया। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। अगर उनकी भावना भगवान राम को श्री राम लला के रूप में देखने की नहीं है तो भगवान उनको सद्बुद्धि दें। हम तो रामलला के जन्म स्थान पर जो भय प्रकट कृपाला दीनदयाला कौशल्या हितकारी, तो हम तो भगवान राम जहां प्रकट हुए थे, जहां जन्म लिए थे, उस स्थान को मान करके उसके लिए आंदोलन की। एक बार लड़ाई नहीं हुई कि ये स्वतंत्र भारत में ही लड़ाई 1993 में शुरू हुई और 1992 में समाप्त हो गई, यह लड़ाई तो 500 साल पुरानी है, लाखों राम भक्तों का बलिदान हुआ है, उस बलिदान के बाद यह स्वप्न साकार हुआ है। अब इसके कारण से रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण हो रहा है। लेकिन आप जिस बलिदान की बात कर रहे हैं, कहा जाता है कि 14 से 16 कार, जो सरकारी आंकड़ा है, 14 से 16 कार सेवकों की जान गई थी, लेकिन ये सरकारी आंकड़ा है। लेकिन एक तरफ से कहा जाता है कि सरयू को लाल कर दिया गया था, आपने खुद बोला आप कार सेवा में थे, उस दिन हुआ क्या था? आज की पीढ़ी को अनगिनत भक्तों को, विशेष तौर से चुने हुए गुंडों को वर्दी पहना करके समाजवादी पार्टी की सरकार ने कार सेवकों को गोलियों से अयोध्या में भूना था, और उसके कारण से अगर वह 15-16 की गिनती गिना करके बताना चाहते हैं तो मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि हमने भी राम भक्तों के चीता की राख लेकर के हुतात्मा कार सेवकों की जो हुतात्मा यात्रा है वो उनकी राख लेकर के गांव-गांव में जाकर के घुमाया था, और उस समय जो राम भक्तों ने संकल्प लिया था समाजवादी पार्टी, मैं आपको आज ये कह रहा हूं जेटीन के मंच से, आने वाले समय में यह रामद्रोही मानसिकता के लोग सत्ता का स्वाद कभी चख नहीं पाएंगे। इन्होंने राम भक्तों का जितना अपमान किया है, जितने राम भक्तों को जेल भेजा है, जितने राम भक्तों पर अनेक प्रकार के मुकदमे लिखने का काम किया है, हमारे राम भक्त जब, मैं तो प्रयागराज में उस समय संगठन मंत्री था, लाखों राम भक्त आ रहे थे, ये लाठी चला रहे थे, आज हमारी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, देश में सरकार है, डबल इंजन की सरकार, सपा की सरकार में राम भक्त लाठी खा रहे थे, गोली खा रहे थे, जेल जा रहे थे, आज उनका स्वागत हो रहा है, सत्कार हो रहा है, उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं, ये अंतर होता है। और इनके ये इस प्रकार की झूठी बयानबाजी से राम भक्तों की जो इन्होंने निर्मम हत्या की थी अयोध्या की धरती पर, उसके लिए कभी माफ नहीं किया जाएगा। आपने बोला कि निर्मम हत्या करी, लेकिन अब आपकी सरकार को 7 साल हो गए, आपने उस पर जांच क्यों नहीं बिठाई, ये सवाल खड़ा होगा। देखिए, वो जांच बिठाने का सवाल नहीं है, क्योंकि हम तो एक राम भक्त के नाते, मैं नहीं मेरे जैसे लाखों की संख्या में राम भक्त तो वहां पूज्य संत, मेरे पूज्य अशोक सिंघल जी तो 30 अक्टूबर 1990 को उस ढांचे के पास जो रामलला के जन्म स्थान पर खड़ा किया गया था वहां पहुंच भी गए थे बड़ी संख्या में कार सेवकों के साथ, उनको भी लहूलुहान करने का काम किया गया। 2 नवंबर को जब फिर से कार सेवा
का ऐलान हुआ और सब केवल श्री राम जय राम जय जय राम का जाप करते हुए निहत्थे राम भक्त जन्मभूमि की ओर जा रहे थे, तब चुने हुए गुंडों से गोली चलवाने का काम किया। कितनी लाशों को बालुओं में बोरियों में लपेट करके सरयू में बहाया गया है वह कोई भूल नहीं सकता, कोई राम भक्त नहीं भूल सकता। जांच क्यों नहीं बैठाया या 1990 और 2017 में बड़ा अंतर आ गया था, और जो चीजें सब वहां के अयोध्या का एक एक नागरिक जानता है, एक एक कार्यसेवक जानता है, उसकी जांच की जरूरत नहीं। एक सवाल पूछने का मेरा बहुत मन कर रहा है और मैं पूछ लेता हूं आपसे, जब ये सब कुछ हो रहा था तो केशव प्रसाद मौर्य एक कार्यसेवक थे, उन्हें कभी उम्मीद थी कि रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बनेगा? और दिल पे हाथ रख के वो बजरंग बाण में कहते हैं ना तोहे शपथ राम की, सच बोलिएगा। देखिए मैं पूरे भगवान बजरंग बली जी का भक्त हूं, भगवान श्री रामलला के चरणों में अपनी श्रद्धा आस्था रखता हूं, मुझे तो पूरा विश्वास था कि रामलला का भव्य मंदिर जरूर बनेगा, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत इसलिए नहीं रोक सकती। मेरे पूज्य अशोक सिंघल जी आज धरती पे नहीं है, वो श्वेत वस्त्रधारी संत पूरे आंदोलन के सेनापति थे, हमारे अनेक पूज्य साधु संत उसका हिस्सा थे, और उन्होंने सामर्थ गुरु रामदास जी ने जिस विजय महामंत्र के जाप से छत्रपति शिवाजी महाराज की अगुवाई में हिंदू साम्राज्य की स्थापना की वह विजय महामंत्र श्री राम जय जय राम का था, और उस मंत्र को पूरे भारत ने जपा, पूरी दुनिया ने जपा, उसके कारण रामलला का भव्य मंदिर भी बना। बलिदान देना पड़ा, बलिदान की परवाह नहीं है, अभी भी अनेक राम भक्त अगर राम के लिए जान देने की जरूरत हो तो आज भी करोड़ों राम भक्त लाइन लगा देंगे, लेकिन रामलला का आज भव्य मंदिर बन गया इसका हमें गर्व है, और मुझे विश्वास था कि एक न एक दिन बनेगा, यह विश्वास नहीं था कि इतनी जल्दी बनेगा, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी, इसलिए हम ढांचा गिरते हुए भी देख पाए और रामलला का मंदिर बनते हुए भी देख पाए, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी मुझे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से निमंत्रण आमंत्रण मिल गया है, 22 जनवरी को भी रामलला के श्री चरणों में अपना मैं शीर्ष झुकाने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। जी जी, उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी दौर है चर्चा का। मैं एक सवाल जो कि कई बार आपसे पूछा गया होगा, लेकिन ये अखिलेश जी और आपके बीच में इतनी पॉलिटिकल टसल क्यों है, ये खींचतान क्यों है, बयानबाजी? मेरे और उनके बीच में कोई टसल नहीं है, वो थोड़ा अहंकारी है, वह विरासत में मुख्यमंत्री की कुर्सी पाए थे, सियासत पाए थे, और इसके कारण से उनको बहुत अहंकार रहता है। मैं एक गरीब माँ बाप का बेटा हूँ, एक सामान्य किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ, संघर्ष किया हूँ, सार्वजनिक जीवन में आया हूँ, और वह तो एक नहीं अनेक बार वो आज हमारे मंच पर थे, आपके बारे में कुछ बोल के गए हैं। अच्छा, आज भी बोले? हाँ, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आज भी बोले, लेकिन अगर आज भी वो बोले हैं तो मैं यह जानता हूं कि उनकी जो भी गाली है उस गाली का जवाब साइकिल को पंचर करके नहीं, उनकी सपा की साइकिल को खंड खंड करके, समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना करके उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी, क्योंकि केशव प्रसाद एक साधारण कार्यकर्ता है, उनका अहंकार। कह रहे हैं अब कौन से मंत्री हो अब? मैं श्री अखिलेश यादव जी को यह बताना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार का उप मुख्यमंत्री हूं जो समाजवादी पार्टी का चक्का जाम कर दिया है, हम वो चक्का कभी खुलने वाला नहीं है। 2000 मैं आपको एक बड़ी घटना आपको बता रहा हूं, मैं 2012 में पहली बार विधायक बनकर के विधानसभा में आया जी, 2013 में सब 12 में ही सपा की सरकार बन गई थी, 2013 में एक समस्या प्रयागराज के कुंभ की थी, उस कुंभ की समस्या को मैंने उठाया था, और उस उठाने के दौरान अनायास मेरे मुख से निकल गया कि तुम्हारे अत्याचारों का जवाब देश की जनता देने को तैयार है, 2014 में लोकसभा के चुनाव होंगे और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, या मैं सदन में बोल दिया। अब मुझे पता नहीं किसने बुलवा दिया, मेरे अंदर से आवाज निकली और संयोग से उस समय एक मंत्री थे वो खड़े होकर के कहे कि ये जिस लोकसभा क्षेत्र में रहते वही लोकसभा सीट में कमल नहीं खिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की 73 सीटों में कमल खिला, और श्री अखिलेश यादव जी को उनकी सरकार रहते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, क्योंकि प्रयागराज के कुंभ की बागडोर अपने चचा मोहम्मद आजम खां को उन्होंने सौंपी थी, और प्रयागराज के कुंभ में दुर्घटना हो गई, 2019 का कुंभ हमारे शासनकाल में अर्धकुंभ हुआ, भव्य व्यवस्था किया। तो श्री अखिलेश यादव जी को मैं यही कहना चाहता हूं,
कि उनके अहंकार का जवाब केशव प्रसाद नहीं देगा, उनके अहंकार उनकी अपमानजनक भाषा का जवाब प्रदेश की जनता देगी। मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, वो फर्जी पीडीए की बात करते हैं, वो कहते हैं पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। गठबंधन कर लिया है अपना जयंत चौधरी के साथ, वो कांग्रेस को साथ लेके आएंगे, यानी राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी तीनों आएंगे और कोई बिगाड़ देंगे, और कोई बचे हो तो उनको भी ले लें। 2019 पर ये तीन युवा आएंगे तो आपको दिक्कत होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस राष्ट्रीय लोकदल सब मिल गए थे, उत्तर प्रदेश में हम लोग 51% वोट के साथ 64 लोकसभा सीटें जीते थे। आज तो हम आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ, जहां श्री अखिलेश यादव जी सांसद थे वहां कमल खिल चुका है, उनके चचा मोहम्मद आजम खां की सीट पे घनश्याम लोधी जी विजयी होकर के लोकसभा में हमारे मनोज भाई के साथ बैठने का काम करते हैं, और 2024 में तो 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे ही नहीं, सपा गठबंधन की, इंडी गठबंधन की, भ्रष्ट गठबंधन की, ठग गठबंधन की जनता ही जमानत जब्त करा करके भेज देने का काम करेगी। जी जी जी, लेकिन आखिरी दौर है तो मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा इस सवाल के बाद। मायावती जी ने अखिलेश जी को गिरगिट कहा है, कारण क्या हो सकता है? बहुत सही कहा है, क्योंकि वो रंग भी बदलते रहते हैं। अभी पिछले दिनों कारसेवकों की हत्या को उन्होंने जायज ठहराया, अपना लिखा दिया। उनके चाचा शिवपाल यादव ने, मैंने कहा उनके चाचा हो, उनके चचा हो या उनके कोई साथी हो, जो लिख के देंगे श्री अखिलेश यादव जी वही पढ़ेंगे, और अगर वो उनके द्वारा कही गई बात से असहमत है तो उनको पद से हटा करके दिखा देते। वह करवा रहे हैं ये, इसलिए ऐसा हो रहा है। और जो बहन मायावती जी ने कहा है, उनको स्टेट गेस्ट हाउस कांड याद आ गया होगा। हम तो पहले ही कहते थे कि ये समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, इनसे बच के रहो। अच्छा है उनको भी सद्बुद्धि आ गई, उनके साथ नहीं गई। लेकिन आपको ये तीन युवा चेहरे कैसे लग रहे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी? मुझे लग रहा है कि तीनों मिलकर के अपनी अपनी दलों की जमानत जब्त कराएंगे। चलिए आप तस्वीर दिखा देते हैं, पहली तस्वीर देखते हैं, किस कौन सी तस्वीर आ रही है? राम लखन सीता मन बसिया। वाह, यार ये काशी और मथुरा की। हाँ हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अयोध्या हुई हमारी, बाबा विश्वनाथ का धाम बन करके तैयार हो गया है, मथुरा के विकास की गंगा बह रही है जी। क्योंकि काशी और मथुरा के दो जो ईदगाह और ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला है वो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। हम उम्मीद रखते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, अगर सत्य और शिव और सुंदर हुआ हमारे साथ हैं तो वो कुछ ना कुछ न्याय होगा, और मेरे कान्हा इंतजार में है। और निश्चित तौर से अगर रामलला का भव्य मंदिर बना है देश की सर्वोच्च अदालत के न्याय के कारण से, तो बाबा विश्वनाथ का धाम और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी हमें देश की अदालत के माध्यम से न्याय के आधार पर मिलेंगे, न्याय के आधार पर मिलेगा। तस्वीर नंबर दो देख लेते हैं कौन सी आ रही है, आइए नजर डाल लेते हैं। श्री रामचरितमानस और स्वामी प्रसाद, श्री अखिलेश यादव जी की फोटो वहां लगा दीजिए जी, क्योंकि उनका ही लिखा हुआ, उनको पढ़ना पड़ता, ना पढ़े तब वो पद से हटा दिए जाएंगे। अगली तस्वीर देख लेते हैं कौन सी आ रही है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। अब बहन जी ने उनका एक जन का नाम पहले ही बता दिया है, दूसरे का नाम आप लोग लेते रहते हो, क्या नाम है? वो जहां जहां जाएंगे वहां वहां हमारा कमल खिलता रहेगा जी। अगली तस्वीर देख लेते हैं कौन सी आ रही है, सुंदरकांड करते हुए अरविंद केजरीवाल। इनका नाम भी बहन जी को ही जो नामकरण किया है वही नामकरण इनका भी कर देना चाहिए जी। चलिए एक बाइट पे चलाना चाहता हूं असाउद्दीन ओवैसी की, वो क्या कह रहे हैं सुनते हैं और आपका रिएक्शन ले लेते हैं। ये आखिरी सवाल है आज का। देखो जी, और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं, मैं जाना क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हैयाल सलाह और हैयाल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने भाई के सलाह तो सलाम के नजाने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। तकलीफ करे, तकलीफ होनी चाहिए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। देखिए, भगवान श्री रामलला हिंदुओं के भगवान हैं और मुसलमानों के पूर्वज हैं। अगर मुगल इस देश से चले गए और उन्होंने किसी हमारे आस्था के केंद्र को ध्वस्त करके वहां पर कोई ढांचा खड़ा किया था तो वह निश्चित तौर से गुलामी की निशानी है। वो आज के युवाओं को उकसा रहे हैं, उनके उकसाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और हम लोग तो सबका साथ सबका विकास का पक्ष लेते हैं,
और निश्चित तौर से रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। मैं जानता हूं हिंदू तो बहुत खुश है, लेकिन बड़ी संख्या में मुसलमान भी खुश है। उसको ऐसा नहीं लगता है कि वैसी जो जहरीले बयान देंगे और उनके बयान के आधार पर कोई कहीं गड़बड़ करेगा, यह संभव नहीं है। अब तो एक ही बात संभव है, 22 जनवरी को रामलला रामवर्ष में आ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे एक अनुरोध करूं तो, और जनता भी चाहेगी, राम के ऊपर कुछ सुनाना चाहेंगे, बजरंगबली के ऊपर कुछ सुनाना चाहेंगे? हम लोग तो देखिए लगातार राम जी के नाम पे तालियों के साथ, जनता भी साथ देगी। देखिए गाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे भजन हमारे आदरणीय मनोज भाई बैठे हुए अभी बहुत अच्छे से सुनाएंगे जी। वो तो लाएंगे ही, वो कह रहे हैं राम को लाए हैं और कृष्ण को लाएंगे। ये हम लोग बचपन से नारा लगाते रहे हैं, अयोध्या हुई हमारी काशी मथुरा की बारी, और जो राम को लाए हैं वो बाबा को भी लाएंगे या कान्हा को भी लाएंगे, या गीत आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन इस समय तो एक ही भजन है जी जी, श्री राम जय राम जय जय राम। और यह महामंत्र विजय महामंत्र है, मैं आपको बता रहा हूं। और राम काज करवे को आतुर जो हनुमान जी महाराज हैं वो पूरी लीला कर रहे हैं। 500 साल बाद अगर रामलला अपने जन्म स्थान पर आ रहे हैं तो ये हनुमान जी की लीला, भगवान राम जी का कार्य वो तेजी से कर रहे हैं। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, मुझे भी जाना है अयोध्या धाम जी। आप जी, सभी जी। को जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, मेरी आपको मेरी राम राम। और एक मिनट, आप सभी बैठे रहे और जोरदार तालियां हो जाए। Thank you.